सवाल की शुरुआत हम सबसे पहले घाटे साहब आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने बजट पेश किया है और जैसा कि दावा किया जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि यह बजट संतुलित है, सर्वसमावेशी है और सबके लिए लाभदायक है, सबके उत्थान को सोचकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। आपकी नज़र में क्या पांच ऐसी खास बातें हैं जो इस बजट के लिए आप गिना सकते हैं कि ये बजट वाकई पांच प्रमुख मुद्दों पर लाभकारी है? सबसे पहली बात, मैं मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा बजट इस पैंडेमिक जो 100 साल में पहली बार इंडिया में पूरा वो विश्व उसको फेस कर रहा है, ऐसे वक्त में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इस तरीके से फ्रेम किया है कि आम आदमी को लाभ भी पहुंचे, टैक्स का बर्डन भी ना बढ़े और है वो रिसोर्स में मैक्सिमम अचीवमेंट करे। और ये सेकेंड बजट है ये पैंडेमिक का। दूसरी बात, आरोग्य के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरी बात, असंगठित कामगारों के लिए ध्यान रखा गया है। चौथी बात, किसानों के लिए और फूड फर्टिलाइजर से लेके जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए ध्यान रखा गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से इंक्लूड किया है कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी, बिना कोई टैक्स बढ़ाए उन्होंने मैक्सिमम फैसिलिटी जनता को देने की कोशिश ये बजट में की है, ऐसा मेरा अपना मानना है। गणेश साहब, मैं इस पे आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो या मजदूर हो, इनको लेकर कोई बड़ी घोषणा बजट में नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई भारत सरकार ने इन इन प्रमुख जो घटक हैं उनको लेकर नज़रअंदाज किया है? देखिए, बजट को देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि अनबायस्ड वे में बजट हम लोग देखें, एक होता है कि मैं मोदी को विरोध करने के लिए ही बजट देखूंगा। अब जब इन्होंने मोदी के विरोध करने के लिए ही बजट देखना है तो सारी ऐसी बातें आ जाएंगी कि जो उन्होंने देखा नहीं है, तो थोड़ा उसके अंदर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो बड़ी इकोनॉमी के पार्टनर जो है इंडियन इकोनॉमी के, वो किसान है। अब किसान के लिए उन्होंने क्या क्या किया हुआ है ये अगर आपको समझ ले तो उसके लिए बजट में किसान के प्रोविजन से को आपको देखना पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जैन साहब ने बताया कि उससे क्या फायदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सादा कॉमन फैक्टर ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक आदमी अपनी फसल तैयार करता है, मार्केट लेके जाना होता है, उसके लिए अच्छे प्राइस मिलने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म करना जरूरी होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल उसके लिए उससे खेत तक पहुंचना जरूरी होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज मोदी गवर्नमेंट रेडी कर रही है या उनके शब्दों में कहे तो भारत सरकार रेडी कर रही है। दूसरी बात, उनके एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलने के बाद वो फसल वहां से मार्केट लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए। मैं अपने एपीएमसी मार्केट का ही आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लातूर से 19 टन हमारे दोस्त के खेत का, जो क्या कहते हैं उसको, हम लोग भोपला कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कद्दू लेके आ रहे थे लातूर से। 19 टन उन्होंने लोड किया, लेके आ रहे थे एपीएमसी में। एपीएमसी में जब बेचने को गए तब एक्चुअल प्राइस 12 टन की मिली, क्योंकि 7 टन के करीब रोड के ना होने के वजह से या प्रॉपर ना होने की वजह से पिचक गया था। अब वो 7 टन का जो लॉस है वो किसान का नुकसान हो जाता है। रहा सवाल एमएसपी का, एमएसपी तब मिलेगा आपको, तब प्राइसेस उसके अच्छे प्रदान तब मिलेंगे जब गवर्नमेंट प्रो हो। प्रीवियस गवर्नमेंट जो 2014 के पहले थे, जहां उन्होंने 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़ की फसल खरीदी हुई है, आज 1.5 लाख करोड़ का फसल खरीदा जा रहा है एमएसपी के ऊपर। अब उसके बारे में 3 लॉ जब लेके आए थे तो वो लॉ को विरोध किया, ठीक है, लॉ को विरोध किया, लॉ वापस ले लिए, वापस उसको मॉडिफिकेशन करके इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो नेता लोगों की बात है, लेकिन जो एक ओपन मार्केट हो रहा था कहीं ना कहीं विरोध की मानसिकता वजह से वो ओपन मार्केट क्लोज किया गया है। आज हमारा मेन इंपोर्ट क्या होता है, खाने का तेल जो होता है वो मेन इंपोर्ट होता है, पल्सेस होता है वो मेन इंपोर्ट होता है। क्यों, हमने कभी खेती में फार्मिंग करते समय हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमने कौन सी फसल लगानी है, कौन सी फसल का दाम मिल जाएगा, इसकी जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के विषय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म करके रखे। लेकिन मिश्रा जी का जो कंसर्न है वो ये है कि महंगाई घटाने में या रोजगार को बढ़ाने में या किसानों के उत्थान को लेकर, जैसे एमएसपी का ही मामला है, इसको लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिख रही है, ये सवाल है। नीति स्पष्ट है, मैंने मानना चाहिए। अच्छा। सूरज उगेगा जरूर, लेकिन मैं, आप जब आंख खोलेंगे तब आपको दिखेगा ना कि सूरज उग गया है। जब आप आंख बंद करके बैठोगे और कहोगे कि सूरज उगा ही नहीं है करके, तो उसके लिए मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। अभी रहा सवाल कॉमन आदमी का,
या गरीब आदमी का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं इनका उत्तर पहले सुन। इस साल 1,68,00,000 लोगों को इस बार घर देने का प्रावधान हो गया है। आज किसान के खेत में सोलर से चलने वाले पंप इंस्टॉल करने हैं, ताकि वो दिन में अपना खेती को पानी दे सके, रात को अपना समय अपने फैमिली के साथ दे सके। आज कितने सारे गाँव है जहाँ पे टैप का पानी तक घर पे मिला नहीं है 70-75 साल में। आज उसके लिए काम करना चालू है, तो उसके लिए जो निधि लगता है वो निधि है, लेकिन टैक्स रिलीफ और पॉपुलर बजट जिसको कहते हैं वो डेफिनेटली आया नहीं है, क्योंकि देश चलाना है और देश चलाते समय लॉन्ग टर्म में देश चलाना है। आज हमारे यहाँ जब डिफेंस DRDO से रिसर्च होकर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आज डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर से जॉब नहीं होगा नहीं तो और क्या होगा। और जॉब यानी ही मेरा मतलब है, ऐसा नहीं होता, MSME के माध्यम से आप छोटी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। मैं बेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र का देता हूँ, टाटा टेल्को पुणे में, एक सेकंड में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टेल्को में अगर स्ट्राइक हो जाता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 7,000 से 7,500 इंडस्ट्री हिल जाती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है। अब वो 7,000 से 7,500 इंडस्ट्री में कम 35,000 से 40,000 लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। 35,000 से 40,000 एम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मतलब 35,000 से 40,000 घर चलते रहते हैं। तो एक टाटा हिलने से, टेल्को हिलने से वहां पे हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने को कंट्री टू कन्वर्ट इट टू मैन्युफैक्चरिंग हब, इसके लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ये समझ में जिसको आएगा उसको लगेगा कि ये बजट ठीक है, लेकिन जिसको मोदी जी समझ में नहीं आएंगे उनके लिए ये बजट में काफी सारे नुक्स निकालने। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।